अभी हमने बॉर्डर क्रॉस किया है और बाहर गार्ड का जो पहला थोरोफंग का एरिया है इस पर यहाँ हम मौजूद हैं। यहाँ से हमने इंटरनेट सिम दिया है और जो नेटवर्किंग काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर उसमें जलालाबाद के रास्ते में हैं हम और तुरहम बॉर्डर से हमने अपने सफ़र शुरू किया है। रास्ते में हम थोड़े से माल्टो के जो बागात है यहाँ पे उस पर रुके हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बहुत खूबसूरत बाग है और यहाँ से तकरीबन एक घंटे के फासले पे जलालाबाद का खूबसूरत शहर है। हमने रास्ते में मुख्तलिफ गाँव देखे, मुख्तलिफ बाजारें देखी और अब जो है हम इंशाल्लाह माल्टे खाएंगे और यहाँ की जो मशहूर सौगात है उससे लुत्फानंदोज़ होंगे। जलालाबाद शहर हम पहुंच चुके हैं और अभी हम बस मुख्तलिफ चौराहों से गुज़रते हुए और जलालाबाद के गुंजाराबाद बाज़ारों से होते हुए अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुआ है। यहाँ पे कुछ देर हम क़याम करेंगे, खाना खाएंगे। प्यारा दोस्तों, हम इस वक्त जलालाबाद के खूबसूरत शहर पहुंच चुके हैं और यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबल है उसके इमारत के अहाते में हम खड़े हैं और इससे पहले हम बाज़ारों में घूमते रहे हैं। वहाँ की गुंजाराबाद शहर है, इसकी जो टोटल आबादी है ये 3,50,000 से इसकी आबादी ज़्यादा है और ये एक अहम शहर है। गेटवे के तौर पे भी इसको शुमार किया जाता है अफगानिस्तान में। जैसे ही आप पाकिस्तान के रास्ते से दाखिल होते हैं तो आपको पहला शहर जो वेलकम करता है वो जलालाबाद का खूबसूरत शहर है। ये मुख्तलिफ ज़मानों में जो है एक जंगों की यहाँ पे बड़ी आजमाइशें लोगों पे रही है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदगी मैंने देखा है यहाँ पे पूरे शहर में लोग जो है अपने कारोबार में मगन हैं। लोग जो है माशाल्लाह विल है, अपने रोज़गारों में मसरूफ़ थे और उसके अलावा जो है यहाँ पे तमाम मिनिस्ट्रियाँ, तमाम इदारे जो है और अमन के हवाले से भी इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है। बाज़ारों में एक काफ़ी रश्ता और उसके अलावा जो है यहाँ पे मुझे कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आई कि जिससे मुझे लगा हो कि यहाँ पे इस वक्त जो है हालात ख़राब है या इस तरह अमन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारा सिचुएशन जो है वो बेहतर है और बेहतरीन है माशाल्लाह।